दोस्तों आज मैं आपको बीपी इंस्ट्रूमेंट रिपेयर करने बताऊंगा कि बीपी इंस्ट्रूमेंट अगर आपका टूट गया है इस तरीके से जैसे इसका कांच टूटा हुआ है तो उसको कैसे रिपेयर करेंगे। एंड कुछ बीपी इंस्ट्रूमेंट तो ऐसे होते हैं जिनका लॉक टूट जाता है, जैसे कि ये टूट गया है देख सकते हो आप यहाँ के, तो इसको कैसे रिपेयर किया जाता है। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, आपको बीपी इंस्ट्रूमेंट करना मैं आज बताऊँगा। ऑलरेडी मैंने बीपी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर वीडियो बना रखी है 3-4। एक है डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कैसे करते हैं। एंड सेकेंड बना रखा है हाउ टाइप्स ऑफ बीपी इंस्ट्रूमेंट, मतलब बीपी इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप के होते हैं, इनके पार्ट्स का क्या नाम है। पार्ट्स मतलब जो आप जो देख रहे हो तो कि बीपी सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट कर के रहे हैं पार्ट्स हैं। कि जो बीपी इंस्ट्रूमेंट का टूटा हुआ कांच है, इस कांच में से काफ़ी सारी मरकरी नीचे आ गई है, तो उसको हम कलेक्ट करेंगे एज ए सीरिंज के थ्रू। इसके मरकरी को कलेक्ट करने के लिए आपके पास एक सीरिंज पंप होना चाहिए, जरूर 50 ML, 20 ML, 10 ML, जरूरी नहीं कितने ML का भी ले सकते हो। एंड उसमें निडल होना चाहिए। तो जैसे कि आप ये जो देख रहे हो, देख रहे हो ये मरकरी गिरा हुआ है, मैं इसको कलेक्ट करूँगा। कलेक्ट करने के लिए यहाँ से इसको खींचूँगा, मरकरी मैंने कलेक्ट कर लिया है निडल में। अब ये जो मरकरी है मुझे इसके अंदर डालने से पहले मुझे मरकरी को यहाँ पर ग्लास लगाना पड़ेगा। ग्लास मेरा ऑलरेडी टूट चुका है, तो ग्लास अगर आपके पास 2-3 बीपी इंस्ट्रूमेंट हो तो आप उस वाले का ग्लास इसमें लगा सकते हो। अगर नहीं है तो आपको बाहर से इसका ग्लास परचेज करना पड़ेगा। ग्लास लगाने के लिए सबसे मुझे पहले इसका लॉक खोलना पड़ेगा। लॉक खुल गया। अब इसके टैंक को हम ओपन करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे 2 स्क्रू है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये 2 स्क्रू आपको खोलने पड़ेंगे। अब ये स्क्रू खोलने के बाद ये बाहर आ गया। अब मुझे इसके अंदर ग्लास लगना है। एक्चुअली मेरे पास ग्लास है नहीं, तो मैं दूसरे बीपी इंस्ट्रूमेंट में से इसमें ग्लास लगाऊंगा। ये मेरा दूसरा बीपी इंस्ट्रूमेंट है, ये इसी वाला का ग्लास इसके अंदर लगाऊंगा। जितनी भी मरकरी है इसके अंदर, ये मरकरी ये मुझे इसमें कलेक्ट करना पड़ेगा। अभी ये ऑन है, अब मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो मरकरी बाहर नहीं जाएगा। सेम वही प्रोसेस, इसको खोलो। इस तरीके से दूसरे यही भी दिखाऊंगा, ग्लास दिखाऊंगा मेरे पास ग्लास है, ग्लास कैसे लगाते हैं ना। दोस्तों जब आप ये ग्लास इसमें लगाओगे दूसरा ग्लास, तो आपको देखना पड़ेगा कि 0 कहाँ से स्टार्ट है, मतलब माइनस पॉइंट। तो इसमें आपको इंडिकेशन देख रहे हैं 0.0 पॉइंट ये यहाँ से जाएगा। ऐसा नहीं आपने उल्टा लगा दिया, आपको सीधा लगाना पड़ेगा। इसके लिए इंडिकेशन बना हुआ है 0, तो 0 दैट मीन्स यहाँ से इसमें हैंग होएगा। मुझे ये ऐसे रखना है, ऐसे रख के देन इसको पुश करना है। इसको ऐसे करके ये पुश होता है, ये वाला पॉइंट पुश होता है, ये ऊपर की तरफ जाता है। इसको खींचना है थोड़ा हल्का सा जिससे ये बैंड हो। जीरो टाइट करने के बाद ये 0 पर आ गया, देखो 0 स्टार्ट हो गया। एंड देन अब मुझे इसको मरकरी इसके अंदर डालनी है, तो आप यहाँ से आराम से डाल सकते हो ऐसे। अब तो इसी तरीके से अगर मरकरी आपका ग्लास टूट गया है तो आप दूसरा ग्लास चेंज कर सकते हो। मरकरी अगर इसमें गिर गई है तो सीरीज के थ्रू कलेक्ट करके यहाँ से डाल सकते हो। लॉक करूँगा, ये लॉक था इसका। तो इस तरीके से दोस्तों आप टूटे हुए बीपी इंस्ट्रूमेंट को रिपेयर कर सकते हो एंड उसे सही कर सकते हो एंड इसे दोबारा आप यूज़ में ले सकते हो। ठीक है।